जब कोई जरूरतमंद बेड पे लेटा है और उसका परिवार का सक्षम व्यक्ति अपने ही व्यक्ति को ब्लड देने से मना कर देता है, और जैसे हम सुबह उठे, सुबह पुनः वापस एक वापस गीतांजलि ब्लड हॉस्पिटल के अंदर चार दिन के बच्चे के लिए वही ओ नेगेटिव की रिक्वेस्ट आ गई। परिवारजनों ने ये तक कह दिया कि हमारा बच्चा मर जाए, पहले बीवी मर जाए, लेकिन मैं तो ब्लड नहीं दूंगा। और मुझे पता था कि उस समय परिवार के सक्षम व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हैं जो ब्लड दे सकते हैं, तो उनका फोन आया और मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा पहले आप जो लोग खड़े हो वहाँ पे डोनेशन कर दो, और फिर अगर और आवश्यकता रही तो मैं बिल्कुल डोनर भेज दूँ, क्योंकि अगर हम खून दे देंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी या हमें कुछ हो जाएगा। उनके अंदर वो डर बहुत बड़ा डर रहता है, इस कारण वो खून देने से कतराते हैं। फतेह सागर का ये मनमोहक नज़ारा है, और आज जो अवसर है वो है विश्व रक्तदान दिवस है। इस मौके पर हम एक ऐसी शख्सियत, ऐसी टीम से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो उदयपुर में कहीं पर भी किसी को भी रक्त की कमी होती है या कम रक्त की ज़रूरत होती है, 24 घंटे ये पूरी टीम है वो लगी रहती है। और हम आज हम इसी सिलसिले में बात करने के लिए और इसी अवसर को भुनाने के लिए हम आए हैं। आज हमारे एक पूरी मित्र मंडली है रक्तदाता युवा वाहिनी, हम उनके साथ में आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इनका जो पूरा काम करने का स्ट्रक्चर है किस टाइप का है, कैसे काम करते हैं, अब तक इन्होंने कितनी लोगों की सहायता की है, और आखिर ये मिशन है कहाँ तक जाने वाला है। तो सबसे पहले तो रोहित जी, मैं आप चाहूँगा कि आपका स्वागत है और आप परिचय करवाएं कि अभी कौन कौन भी हो। नमस्कार, मैं रोहित जोशी, रक्तदाता युवा वाहिनी का एक छोटा सा सदस्य। मेरे साथ में मेरे सभी भाई लोग खड़े हुए हैं। आप राहुल जी सुधार हैं, आप कमलेश जी आचार्य, आप हेमंत जी माली और आप दिलीप जी साहू। अभी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे और भी टीम मेंबर्स हैं पर सभी अपनी अपनी व्यस्तताओं के कारण यहाँ भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, और हमारा जितना संभव हो सकता है रक्त सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और जरूरतमंद की मदद हम कर पा रहे हैं। अमूमन देखा गया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट वायरल करता है कि हमें रक्त की बहुत ज़रूरत है, नंबर देते हैं और सीधे नंबर आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं या आपसे वो कॉन्टेक्ट करते हैं, किस तरह से आपके लोगों की रिक्वायरमेंट आती है आपके पास और फिर आप कैसे उसको रक्त प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए, हमारे पास लगभग सोशल मीडिया पे या शहर में बहुत सी जगह हमारे या हमारे टीम मेंबर्स के सभी के नंबर इधर उधर फैले हुए हैं, तो जब कभी किसी को रक्त की आवश्यकता होती है तो किसी भी टीम मेंबर्स के पास उनमें से किसी का फ़ोन आ जाता है कि इस हॉस्पिटल में इस व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है। जैसे ही वो टीम मेंबर्स के पास किसी का फ़ोन आता है तो पूरी उस पेशेंट के बारे में जानकारी लेके हमारा एक कोऑर्डिनेटर्स का ग्रुप बना हुआ है, उस पूरी उसकी जानकारी हम ग्रुप के अंदर डालते हैं और हम उसी समय जानकारी उस पेशेंट के बारे में कि पेशेंट का नाम क्या है, वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके साथ में उसमें कौन उस हॉस्पिटल में उसका अटेंडर उस समय मौजूद है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, उसको क्या ब्लड की आवश्यकता है, क्या ब्लड ग्रुप है, उसके डॉक्टर ने जो एक पर्ची बना के देते हैं जो ब्लड रिक्वेस्ट फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म का फोटो मंगाते हैं ताकि हमें वास्तविक स्थिति का पता लग जाए कि डॉक्टर उससे मांग क्या रहा है। क्योंकि आम व्यक्ति के लिए केवल रक्त हो कि हमको ब्लड चाहिए, लेकिन ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं अलग, तो हम उस फॉर्म को देख के हमें पता पड़ता है कि उस वास्तव में उसको ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आपस में सक्रिय होकर हम लोग काम करते हैं और फिर उसकी मदद करने की पूरा प्रयास करते हैं। ब्लड देने को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं समाज में, इस तरह से कौन सी भ्रांतियों से आप ज़्यादा देखते हैं, आप उनको लगातार फेस करते हैं, किस तरह की भ्रांतियाँ देखने को मिलती हैं? ब्लड नहीं देना ये तो आम भ्रांतियाँ हैं लोगों की, लेकिन फिर भी इसके अलावा किस तरह की लोग जो हैं वो चाहते हैं कि दूसरा ब्लड दें? मैं खुद जैसे मेरा मुझे ब्लड की ज़रूरत है या मेरे को किसी की ब्लड ज़रूरत है तो मेरा अपना कोई ब्लड नहीं दे, किसी दूसरे से वो ब्लड मिल जाए, तो किस तरह की भ्रांतियाँ आप देखते हैं? सबसे बड़ी तकलीफ ये आती है कि उदयपुर जो अंचल है वो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक तरह से आदिवासी अंचल है, और यहाँ पर जो जो भी डिमांड आती है अधिकतर वो आदिवासी क्षेत्र के जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो आते हैं, और उनके अंदर सबसे बड़ा डर ये है कि अगर हम खून दे देंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी या हमें कुछ हो जाएगा। उनके अंदर वो डर बहुत बड़ा डर रहता है, इस कारण वो खून देने से कतराते हैं, और वो चाहते हैं कि कोई दूसरा ब्लड दे दें और हमारा काम हो जाए। तो सबसे बड़ा मुश्किल वही आती है ऐसे व्यक्तियों को समझाने की, या फिर भी वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ब्लड नहीं देते, तो उन लोगों की फिर हम मदद करते हैं। तो सबसे बड़ी कमजोरी का डर जो है उनका, वो सबसे बड़ा डर है। रक्तदाता युवा वाहिनी का हम मैं जब भी पोस्टर देखता हूँ तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के पोस्टर नज़र आते हैं बहुत सारी। मैं ये चाहता हूँ कि ये शुरुआत कब से हुई है, क्या कैसे हुई थी?
क्या सोच के आपने की थी और आज किस स्टेज पे आप खड़े हैं? देखिए, रक्तदाता युवा वाहिनी की जो शुरुआत हुई वो सन 2012 में हुई और उस समय एक महिला को ओ नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता हुई थी, तो वहीं से एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो इनिशियल स्टेज कह सकते हैं, या वहाँ से मतलब बीज डाला गया, वो बीज डाला और वहाँ से शुरुआत हुई और धीरे धीरे वो बीज अंकुरित हुआ और आज छोटे से पौधे के रूप में हम हैं और हम जो सेवा कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी आपके साथ? अभी हम कमलेश जी से बात करते हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका द उदयपुर अपडेट्स में, और आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। आज मुझे हमें इन आपकी सेवाओं को सलाम करने का जो अवसर मिला है, हम उसको लेकर आज यहाँ आए। कितने लोग आपके साथ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, या उदयपुर में कितने लोग जुड़े हुए हैं इस तरह से सहायता करते हैं? हमारे पास अभी मतलब पूरे राजस्थान से 5,000 रक्तदाता जुड़े हुए हैं जो एक फोन पर रक्तदान करने चले जाते हैं। उदयपुर में, अगर उदयपुर की बात करूँ, उदयपुर के हैं कम से कम 1500 से 2000 डोनर हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे। अभी भी एनी टाइम 24 आवर्स। इस ब्लड ग्रुप की ज्यादा रिक्वायरमेंट उदयपुर में आपको देखें? नेगेटिव ग्रुप जितने भी हैं सब रियर ही है, उनकी जब भी रिक्वेस्ट आती है तो पूरी मदद का काम है, लेकिन हो जाता है। आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं 2012 से जुड़ा हुआ हूं। जुड़ने का क्या क्या कैसे आपका ये पूरा ग्रुप बना? सब अलग अलग क्षेत्र में यही काम करते थे तो सबने जुड़े और इस चीज को बड़ा किया। अब तक कितने कैंप वगैरह लगा चुके हैं या प्रेरित कर चुके हैं? 110 यूनिट के आसपास तो कैंप लगा चुके हैं और हर साल का 4,000 यूनिट के आसपास डोनेशन भी होता है। एक ये मेरे मन में एक प्रश्न है, एसटीपी को बार बार दोहराया जाता है, रक्तदाता जब भी आता है तो बार बार ये सुनने में आता है आम लोगों के, मेरे भी, एसटीपी और ब्लड में ये क्या चीज है, हम समझना चाहते हैं? एसटीपी एक तरह से ब्लड का ही एक प्रोसेस है, पर उसका जो लेने का तरीका है वो अलग है। जब किसी मरीज की स्थिति ज़्यादा नाजुक होती है या उसके शरीर के अंदर RDP जिसके प्लेटलेट्स को हम जो बोलते हैं उसकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डॉक्टर उसके लिए HDP लिखते हैं। HDP का जो प्रोसेस है उसमें डोनर को एक मशीन के ऊपर लेटाया जाता है और मशीन के ऊपर उसका सारा प्रोसेस होता है। मशीन के जरिए उस डोनर का ब्लड लिया जाता है और वह ब्लड डोनर से उस मशीन के अंदर जाता है। मशीन के अंदर ही उसी सेम टाइम पे रोटेशन होता हुआ उसमें से प्लेटलेट्स अलग निकल जाती है और वो जो ब्लड वापस है वो उसी डोनर के वापस चढ़ जाता है। वह जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया HDP कहलाती है। वो प्लेटलेट से लिया जाता है लेकिन उसकी प्रक्रिया अलग है और उसमें काउंट बढ़ जाता है। अगर सिंपल अगर अपन RDP की बात करें तो जब ब्लड डोनेशन होता है तो उसमें से RDP लेते हैं तो उसका काउंट लगभग 6-7 हज़ार के आसपास ही रहता है। वहीं HDP की अगर बात करें तो 50,000, 60,000, 70,000 तक भी HDP का काउंट रहता है। वो जो डोनर है उसके उस समय जो काउंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो मशीन लेके और वो काउंट करते हैं, उससे जो पेशेंट है उसको जल्दी राहत मिल जाती है। आपके ज़िंदगी का, आपकी पूरी टीम का जैसे मैं कहना चाहूँगा, जब से आपने बनाया, बड़ा सुखद अनुभव कब रहा होगा कि क्या आपको लगा कि आज हमारा जो रक्तदाता युवा वाहिनी जो ग्रुप है वो बनाना साकार हुआ, कब ऐसा? कभी ऐसा कोई एक अनुभव बताना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे हम ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे पास होती रहती है कि जैसे बहुत ही क्रिटिकल कोई पेशेंट आता है या ऐसा कोई डिमांड आती है जो हम पूरी करते हैं तो उस समय हमें आत्मसंतुष्टि होती है, चलो इस व्यक्ति की जो वास्तविक जरूरतमंद था उसकी हमने मदद कर दी, तो उस समय हमें आत्मसंतुष्टि होती है। और ऐसी कई घटनाएं, तो इसलिए किसी एक का वर्णन करना तो बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मैं अभी हाल ही में एक जो घटना हुई उसको बताना चाहूँगा। अभी लगभग महीने भर पहले ही रात को लगभग 1 बजे के आसपास मेरे पास राजसमंद से एक कॉल आया कि भाई साहब, एक बच्चा है, 4 से 5 दिन का बच्चा है और वो महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको लाइव डोनर चाहिए, ओ नेगेटिव ब्लड उसको चाहिए, मतलब फ्रेश ब्लड चाहिए था, बच्चा था। तो मैंने वो तुरंत उसकी पूरी डिटेल ली, डिटेल लेके ग्रुप में पोस्ट की और मैंने टीम मेम्बर्स को फ़ोन किया, उस समय जो भी अवेलेबल थे उनसे बात हुई। सेम टाइम पे उसी टाइम हमारी टीम के दूसरे मेंबर के पास ओ नेगेटिव का ही केस आया और वह भी 1 से 2 दिन का बच्चा, मतलब रात को 1 बजे दो केस एक जैसे आया, दोनों में ओ नेगेटिव चाहिए, दोनों में फ्रेश ब्लड चाहिए और दोनों बच्चों के लिए। आपको लगा एक बार कि ये सेम बिल्कुल वो लगता है हमें, तो इसलिए हम वो प्रोसेस अपनाते हैं कि पूरी डिटेल लेके हम ग्रुप में डाल देते हैं ताकि उससे हमें कन्फर्मेशन हो जाए कि केस अलग अलग है या एक ही केस है या एक ही केस के लिए सब कॉल कर रहे हैं। उस ग्रुप के अंदर वो डालने से हमारा कन्फर्मेशन हो जाता है कि केस अलग अलग है। तो वो जैसे ही कन्फर्म हुआ
हमने तुरंत डोनर से हमने बात की, टीम मेंबर्स ने अलग अलग, सभी टीम मेंबर्स उस समय सक्रिय हो गए और अलग अलग डोनर से बात की, और रात को अब 1:30 बजे थी। उस समय डोनर्स को परेशान करना भी बहुत मुश्किल काम होता है कि उनको घर से उठाना, नींद से, और ब्लड बैंक भेजना, फिर भी हमारे डोनर्स इतने समर्पित हैं कि एक कॉल पर तुरंत अलग अलग टीम मेंबर की अलग अलग डोनर से बात हुई और तुरंत दो डोनर तैयार हो गए, और रात को 1:45 बजे के आसपास दोनों डोनर सरल ब्लड बैंक पहुँच गए और तुरंत वो डोनेशन हुआ, और डोनेशन होते 2:30 बजे तक हमने वो रिक्वेस्ट पूरी कर दी। उस समय हमें संतुष्टि की हमने दो बच्चों की जान हम बचा पाए, और जैसे हम सुबह उठे, सुबह पुनः वापस एक वापस गीतांजलि ब्लड हॉस्पिटल के अंदर 4 दिन के बच्चे के लिए वही ओ नेगेटिव की रिक्वेस्ट आ गई। उस समय मैंने डोनर से संपर्क किया और डोनर तुरंत सुबह 9 बजे ब्लड बैंक पहुंच गया, उसने भी डोनेशन किया और उस बच्चे की मैंने जान बची। ये इस तरह की जब घटनाएं होती है तो हमें बहुत सुकून मिलता है कि चलो हमने कुछ तो प्रयास किया तो किसी की जान बच पाई। किस घटनाओं से होता है, कौन किस चीज़ों को फेस करते हैं तब आपको दुख होता है? दुख सबसे ज़्यादा उसी समय होता है कि जब कोई ज़रूरतमंद बेड पे लेटा है और उसका परिवार का सक्षम व्यक्ति अपने ही व्यक्ति को ब्लड देने से मना कर देता है। यहाँ तक भी हम लोगों के पास केस आए जिसमें परिवारजनों ने ये तक कह दिया कि हमारा बच्चा मर जाए, भले बीवी मर जाए, लेकिन मैं तो ब्लड नहीं दूंगा। उस समय बड़ा दुख होता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आज भी शहर में इस ढंग के लोग भी हैं जो अपने परिवारजनों के मरने की फिक्र नहीं कर रहे लेकिन वो ब्लड नहीं देना चाहते। उस समय बहुत दुख होता है। आपके परिवार वाले भी आपको फ़ोन करते होंगे, जैसे हमारे अमूमन जैसे मेरे परिवार वाले हैं कोई, मैं न्यूज़ फील्ड में हूँ तो लोग हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई ये मेरी कोई खबर छपवा देगा या कोई हमारे चला देगा, तो आपसे ही लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर आपका क्या रिएक्शन? बिल्कुल रखते हैं, फ़ोन आते हैं, परिवार से भी आते हैं, समाज से भी आते हैं, परिचितों के भी फ़ोन आते हैं, लेकिन हमारा वो नियम बना, पहले प्रयास यही करते हैं कि अगर परिवार में कोई सक्षम व्यक्ति है तो उससे डोनेशन कराया प्रयास करते हैं, सक्षम नहीं है तो ठीक है हम फिर डोनेशन हमारा डोनर भेज के या हमारे जो भी सिस्टम बना उसके अनुसार उसका मदद करवाने का प्रयास करते हैं, और बहुत सी बार सक्षम व्यक्ति को जब हम मना कर देते हैं तो बिल्कुल हमसे नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी नाराजगी का हम फिक्र करके जो वास्तविक जरूरतमंद है उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते, इसलिए हम भले नाराज हो तो हो लेकिन हम उनको मना करते हैं। एक वो घटना मैं सुनना चाहता हूँ कि जो नाराजगी आपको सबसे भारी पड़ी थी, सबसे आपको बुरी लगी थी, जिसे आपके जीवन का सबसे बुरा अनुभव कह सकते हैं, वो नाराजगी भी आप प्रकट करें तो थोड़ा ठीक है। मतलब वो आपसे मैंने पहले भी शेयर किया था और वापस बताता हूँ, मेरे परिवार में ही मेरे कजिन मामा जी के ही बच्चे को ब्लड की जरूरत पड़ी थी, और मुझे पता था कि उस समय परिवार के सक्षम व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हैं जो ब्लड दे सकते हैं, तो उनका फ़ोन आया और मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा पहले आप जो लोग खड़े हो वहाँ पर डोनेशन कर दो और फिर अगर और आवश्यकता रही तो मैं बिल्कुल डोनर भेज दूंगा, तो वो उससे बहुत नाराज हो गए और आज तक भी वो मेरे से बात नहीं करते, और उन्होंने परिवार में और समाज में ये बात फैला दी कि ये लोग तो ब्लड बेच के ही काम धंधा कर रहे हैं, उसी से सेवा कर रहे हैं, तो मतलब वो बहुत दुख होता है कि मतलब लोगों की मतलब हम निस्वार्थ और निःशुल्क सेवाएँ कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन लोगों के मन में यूँ है कि यार ये तो इनका काम धंधा इसी से चल रहा है, अपना काम नहीं किया इसलिए। बिल्कुल ऐसा लोगों में होता है। एक और सवाल है दिलीप जी से भी मैं जानना चाहूँगा, जो और टीम मेंबर्स हैं, आपने बहुत सारे लोगों को ब्लड दिलवाया, लेकिन मैं जानना चाहूँ आपने कब कितना ब्लड दिया होगा, कितनी बार दिया? देखिए मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और मैं अभी तक 39 बार डोनेशन कर चुका हूँ, ऐसे हमारे सब टीम मेंबर्स सभी नियमित रख जाता है। आपने कितना किया होगा? 12 बार तो मैंने डोनेशन कराया, ब्लड डोनेशन। आपने 16-17 बार किया? मैंने 8 बार किया। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है जो कि दुर्लभ की श्रेणी में आता है, तो मैं केवल जरूरत के समय ही रक्तदान करता हूं और मैं अभी तक 12 बार रक्तदान कर चुका हूं। ये दुर्लभ वाला क्या फॉर्मूला है, मुझे समझ में नहीं आया, ये बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है, ये क्या है? दुर्लभ वाला ऐसा है कि जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स है उनकी जो डोनर्स है या उनके जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स के जो वाहक है उनकी संख्या कम है, तो इसलिए उसको दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि अगर दूसरे ब्लड ग्रुप की, अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की अपन बात करें तो उनकी संख्या, डोनर्स की संख्या कहें या उन व्यक्तियों की संख्या कहें तो ज़्यादा है, तो इसलिए जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं उनको हम दुर्लभ की श्रेणी में रखते हैं। एक और ये प्रांतिया देखना अमूमन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आए। अमूमन लोग ये कहते हैं कि ब्लड देने के बाद में वजन कम हो जाएगा, बीमारियाँ आ जाएगी, इस चीज़ को आप किस तरह फेस करते हैं और आप क्या अनुभव करते हैं? ये लोगों की मात्र भ्रांतियाँ हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अगर 40 बार रक्तदान कर चुका हूँ तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे को न तो कभी कोई कमजोरी आई है, न मेरे कोई वजन कम हुआ है और न किसी तरह की दूसरी तकलीफ मुझे हुई है, ये केवल भ्रांतियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है लेक सिटी वासियों के लिए जो मैं लेके आया हूँ। शायद ये ऐसा सवाल आपको कोई पूछेगा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमने 100 बार ब्लड डोनेशन कर दिया, 150 बार कर दिया, 200 बार कर दिया, 500 बार कर दिया। अगर एक जीवन में एक व्यक्ति कितनी बार डोनेशन कर सकता है और फिर कितने कितने अंतराल में कर सकता है, और ये बहुत सारा जो रेशो आ रहा है लोगों का आए दिन, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हमने इतना किया किया होगा, लेकिन क्या वाकई में वो आंकड़े सही हैं या फिर मनगढ़ंत है या गप्पा है एक तरह की? नहीं देखिए, ये डिपेंड करता है कि जो डोनर है उसकी फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड करता है, और उसने कब ब्लड डोनेशन करना शुरू किया, उसके जीवन में किस उम्र से उसने डोनेशन करना शुरू किया, उस पर डिपेंड करता है। बहुत से आंकड़े पूरी तरह सही भी हैं, और बहुत से आंकड़े जैसे आप ये देख रहे हैं कि अगर 200, 400, 500 लिख रहे हैं, तो उसमें केवल वो ब्लड डोनेशन की संख्या नहीं, उसमें वो HDP डोनेशन को भी जोड़ते हैं, क्योंकि HDP डोनेशन 15 दिन में कर सकते हैं, तो वो HDP डोनेशन उनका ब्लड डोनेशन मिला के वो संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे पास ऐसे डोनर्स भी संपर्क में आए हुए हैं जो 1200-1500 बार HDP डोनेशन कर चुके हैं, ऐसे लोग भी हमारे संपर्क में आए हैं, और मैं उनका भी नाम भूल रहा हूँ, मुकेश जी ने मुंबई से एक बार आए थे उदयपुर में, और उनका भी मैं नाम भूल रहा हूँ, और एक बार उदयपुर आए थे, और उन्होंने उदयपुर आते ही यहाँ पे हमारी टीम से संपर्क किया कि मैं उदयपुर आया हुआ हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पे भी HDP डोनेशन करके जाऊँ, और उनका जज्बा इतना था कि वो हर 3 दिन में HDP करते थे, और टेक्निकली संभव है ये, लेकिन वो डोनर्स की फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। कितने नॉर्मल व्यक्ति कितने दिनों में ये कर सकता है? HDP वैसे हम 15 दिन में करवाते हैं, उस समय जब वो हमारी टीम के साथ मिलकर, मैं खुद ब्लड बैंक उस समय गया था, और उन्होंने जब डोनेशन किया उस समय उनका 1225वां डोनेशन था HDP, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तो वो रेगुलर वो भी HDP कर रहे हैं। HDP और रक्तदान दोनों अलग होते हैं, लोग कोई मिलाकर रक्तदान की श्रेणी में कर देता है कि मैंने इतना किया, तो बहुत अच्छा लगा। आप कुछ आपके अनुभव कोई ऐसे कुछ बताना चाहते हो तो आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उदयपुर वासियों को? तो ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके मन में जो रक्तदान को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं, इन भ्रांतियों को, ये केवल कोरी अफवाह है, इन पर ध्यान नहीं देके अपने कम से कम अपने परिवारजनों को जब जरूरत पड़ती है तब संस्थाओं को फोन न करके आप लोग स्वयं रक्तदान के लिए आगे आएं, और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और भी हम एक अपील करना चाहते हैं कि रक्तदान जो है इसको एक विषय बनाकर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे क्या होगा कि बचपन से ही अगर व्यक्ति स्कूलों में रक्तदान के विषय में पढ़ता आएगा तो उसको जब वो 18+ का हो जाएगा और रक्तदान में सक्षम हो जाएगा तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ नहीं रहेगी। जब वो शुरू से ही उसके बारे में पढ़ता आएगा तो उसको बिल्कुल इस चीज़ का अनुभव रहेगा कि हाँ, रक्तदान में जो भ्रांतियाँ फैली हुई ये केवल पूरी अफवाहें हैं, और स्वस्थ व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और जिसका वजन 45 किलो से ऊपर है वो रक्तदान कर सकता है, उससे किसी प्रकार की कोई भी बीमारी और ये कमजोरियाँ वगैरह नहीं आती है। और अंत में सिर्फ यही कहेंगे कि ये जिस्म तो एक दिन मिट्टी में यूं ही डल जाएगा, करोगे रक्तदान तो कोई और पीछे जाएगा। मैंने आज बहुत 4 लाइनें लिखी थी आपको, इसके स्क्रीन पर फ्लैश होगी, मेवाड़ी में लिखी थी, ये मेरा प्रयास था। और जो पूरा रक्तदाता युवा वाहिनी की जो टीम है उनका भी ये प्रयास है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक रक्त की उपलब्धता बनी रहे, मिलता रहे। आपको भी या आपके मिलने वालों की पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद रक्तदान करें, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपको रक्तदान की जरूरत हो तो रोहित भी आपके नंबर बता दे ताकि लोग सेव कर लें और जरूरत पड़ने पर आपसे संपर्क। बिल्कुल, मैं अभी आपको हमारा जो क्रिएटिव बना हुआ है वो आपको शेयर कर दूंगा, तो आप स्क्रीन पर शेयर कर दें, उसमें हमारे सभी टीम मेंबर्स के नंबर हैं, तो जिस भी टीम मेंबर्स से वो उस समय संपर्क करेंगे तुरंत संपर्क हो जाएगा। बिल्कुल, रक्तदाता युवा वाहिनी उदयपुर के नाम से, रक्तदाता युवा वाहिनी के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे बने हुए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उन पर जुड़ सकते हैं, किसी को मदद चाहिए तो बता सकते हैं। द उदयपुर अपडेट्स ऐसे ही नई नई जानकारी, रोचक जानकारी, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेगा, हमारा प्रयास है। मैं सुनील पंडित और कैमरा के पीछे योगेश सुखवाले, शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवा।